बोलिए क्या बोलो, फोन पे से बात कर रहे हैं, क्या कहना, क्या हुआ है? जी फोन पे में सर आपको जो कैशबैक आया हुआ था सर, आपने रिसीव नहीं की जिसकी वजह से ये कॉल किया गया है। हाँ, तो वो आप रिसीव कीजिएगा कि कंपनी को रिटर्न कर दिया जाएगा सर। कौन सा कैशबैक भैया? वो आपका यूपीआई में आया हुआ है सर। यूपीआई में आया हुआ है जी? तो मतलब कहाँ पे आया हुआ है, ऐप में होगा ना वो? हाँ ऑलरेडी वो ऐप में आपका आया हुआ है सर। ऐप से जैसे कि उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक में, या तो अपना डीटीएच रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ फिर क्या करना है उसको, खोल के देखना है उसको। हाँ खोल के देख लीजिए सर, अगर आपको प्रोसेस मालूम नहीं है तो यहाँ से ऑलरेडी बता दिया जाएगा, आप रिसीव कर सकते हैं। यहाँ तो नहीं दिखा रहा है कोई उसमें ऑफर्स में और इसमें क्या रिवॉर्ड में? रिवॉर्ड में नहीं सर, फोन पे में देखिए ऊपर में आपका बेल आइकन आ रहा है ना सर, बेल आइकन घंटी आ रहा है ना सर, बेल आइकन घंटी। हाँ बेल आइकन घंटी में देखिए आपको कोई नोटिफिकेशन शो हो रहा है वहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, नो नोटिफिकेशन। जी अभी आपको नो न्यू नोटिफिकेशन बता रहा है। डेटा इसी नंबर से चल रहा है कि अदर नंबर से चल रहा है? डेटा यानी नेट सर आपका इसी नंबर से चल रहा है कि दूसरे अदर नंबर से चल रहा है? नहीं इसी नंबर से चल रहा है जी। तो अभी देखिए बेल आइकन में कोई नोटिफिकेशन तो हुआ वहाँ पे? यार रिक्वेस्टेड बाय एरोन पे जी आपका है जी? जी हाँ, रिसीव करने के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है सर वहाँ पे आपको? रिसीव कहाँ आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है डिक्लाइन और पे आ रहा है। हाँ तो वॉलेट से पे अपना अकाउंट में रिसीव कर लीजिए सर, सेंड कर लीजिए अपना अकाउंट में। बढ़िया, तो पे बता रहा है यहाँ पे? हाँ तो वॉलेट से आप अपना अकाउंट में पे कर रहे हैं ना सर, यहाँ से कोई अकाउंट नंबर या तो मोबाइल नंबर नहीं दिया गया कि आप दूसरे को पे कर रहे हैं जी। वो आप अपना वॉलेट से अपना अकाउंट में उसको पे अपना अकाउंट में सेंड कीजिए सर। इसको यहाँ से मैं अकाउंट में इसको सेंड करूँ जी? ये तो मेरे अकाउंट से कटने वाला पैसा दिखा रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। सॉरी सर, वो आपका अकाउंट से कैसे कटेगा सर? आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो मोबाइल नंबर या तो अकाउंट नंबर डालते हैं तभी आपका पेमेंट होता है, ठीक है ना, पेमेंट करते हैं। यहाँ से तो इस तरह से आपको कोई दिया नहीं गया है सर। आपको जो कैशबैक आया हुआ है फोन पे में, वो आप डायरेक्ट वॉलेट से अपना अकाउंट में सेंड कर रहे हैं सर। सेंड करने के बाद तो ऑलरेडी आपका अकाउंट नंबर भी वहाँ पे शो हो रहा है आपका। वहाँ आपको डेबिट और एक क्रेडिट आएगा, तो आपको क्रेडिट करना है सर। ऑलरेडी आपको क्रेडिट का ऑप्शन भी वहाँ पे आपको आएगा। देख भाई एक बात बताऊं तेरे को? जी। तूने जब मेरे को फर्स्ट कॉल किया ना, तेरा कॉल उठाते ही मैं जानता हूँ कि तू स्कैमर है, ठीक है जी। तेरा कॉल उठाते ही मैं समझ गया कि तू चूतिया बना रहा है, ठीक है जी। तो हिंदी में बोल रहा हूँ समझ अभी, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ, मैं मुंबई वाला हूँ, समझा? मुंबई वाले के बारे में इंडिया में लोग सोचते हैं कि हम दुनिया को चूतिया बना दे, तो हमको बना रहा है सुबह सुबह, समझा दोस्त? तेरा कॉल बिगनिंग से रिकॉर्डिंग पे है, मैं जानता हूँ तेरे को। हाँ। लॉकडाउन है, ये रेगुलर कर रहा है कि लोगों को डेली अभी चूतिया बना रहा है लॉकडाउन में, क्या है सीन? हंस रहा है? अरे हंसने की बात ही बोल रहा है यार, बोलू नहीं फिर? तुम लोग 2,000 रुपए करके, अबे अब तक तो लोग कॉल करके एटीएम डेबिट का पूछ रहे, तुम अब पेटीएम और ये फोन पे भी चालू हो गए अब तुम तो। भाई फोन पे है तो भाई भेज रहा हूँ। ये क्या लगता है, इतने पागल है क्या लोग कि तू भेज रहा है ऐसे, और उसमें से मैं तेरे को जाके उसमें पे करूँ, पासवर्ड डालूँ और पेमेंट तेरे इसमें डाल दे? तो किसने बोला है कि रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता पेमेंट पे तू, पेमेंट पे करने का? हम लोग क्या नया आए हुए हैं क्या, गाँव से आए हुए क्या हम लोग तेरे जैसे, कि तू बता रहा और मैं चढ़ जाऊँ करके? तू गांव से नहीं, तू क्या बोलता है, वो जंगल से आया हुआ है। तेरी ना भाषा से समझ में आ रहा है भैये, या तो तू भैया है कहीं का या तो बिहार का चूती है, सामने आ जाएगा ना तब तेरे को समझ में आएगा, समझा? अरे भाई तेरे जैसे 10 चूती है डेली घूमते, सब तेरा रिकॉर्डिंग पे, इतना याद रखना। सुन मेरा बात सुन, पूरा मुंबई महाराष्ट्र का पुलिस पकड़ने में लगा, साला झाट उखाड़ नहीं पाया, तो तू कौन सा खेत का बैंगन है? ये बात बोला ना तूने, बट तू याद मान, तेरा वो एरोन प्ले का मैं डिटेल डाल सकता हूँ, तेरे को मालूम नहीं है अभी? अरे भाई तू एरोन पे उसको ब्लॉक करा देना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऐसा एरोन पे कितना साला है पता नहीं। कमा लेता, अच्छा कमा लेता महीने का? अरे बहुत यार।
क्या बात कर रहे हैं? हाँ हकीकत बोल रहे हैं, बनाई क्या भाई? लॉकडाउन में यहाँ गांड फटी पड़ी है लोगों की, तू कमा ले रहा है बोल रहा है। अरे भाई देखो एक बात मैं बता रहा है, ठीक है, जो जो गरीब होता है ना उसका अकाउंट में मैक्सिमम उसमें कम से कम 10-15 हजार के करीब होता है, ठीक है ना। जो अमीर आदमी, जो बड़ा आदमी बिजनेसमैन होता है उसका अकाउंट में तो इतना कम नहीं रहता है, उसका अकाउंट में तो मैक्सिमम कम से कम 2-2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक होता है, मालूम है। तुम ये कैसे पता करते हो कि कौन गरीब है कौन अमीर है? सिर्फ कॉल करो, तुमको तो पैसे से मतलब है? पैसा से मतलब नहीं होता, उसका तो पूरा बायोडाटा निकलता है ना। अबे तुम लोग को ये डेटा, हमारा नंबर कहाँ से मिलता है यार? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आता है। देखो भाई जो जो फोन पे यूज करता है या तो कुछ यूज करता है, ऐप कोई भी यूज करता है ना फोन पे में, फोन पे में करता है या पेटीएम में, गूगल पे में, तो उसका डेटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जामतारा से तो नहीं बोल रहा है? मूवी देखा? हाँ हाँ देखा ना यार। मूवी रिलीज नहीं हुआ है अभी तक? नहीं वेब सीरीज है ना वो तो। हाँ हाँ हाँ, वहाँ से तो नहीं बोल रहा तू? ये वहीं से। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सब दिमाग सब वहीं से चल रहे हैं पूरा? हाँ सब हम ही लोग यूज करते। क्या वेब सीरीज तो जबरदस्त देखा यार, वहाँ से तो पूरा एकदम धड़ल्ले से बिजनेस हो रहा है ये सब का। हाँ ये सब तो हो रहा है, बट कमा लेता है वाकई में, महीने कमा लेता 50,000 लाख रुपए कर लेता, सेटिंग हो जाती है। हाँ हाँ हो जाती है। क्या बात कर रहा है वे, क्या लोगों की जॉब जा रही तो पैसे वैसे पे वैसे कमाए जा रहा है, क्या करेंगे यही तो सीख लिए हैं। नहीं बढ़िया है लेकिन यार देख के करो, कोई बड़े को करना है अभी, मैं तो ये बोल, ये देख ओवरऑल ये तो गलत ही है करना। हाँ ये तो नहीं, ये बात तो सही है लेकिन क्या करें जब उतर गए तो। लेकिन मान ले अगर कोई अच्छा पुलिस वाले को फोन लगा दिया तब क्या करेगा? होता होगा ना? नहीं नहीं नहीं, पुलिस वाला को भी मारे हैं। पुलिस वाले को भी मारे हैं? हाँ। कितने ही? एक पुलिस वाले की मारे थे 40,000 और एक पुलिस वाले की मारे थे 1.5 लाख। अरे बाप, तो उन्हें पीछे नहीं पड़े? अरे क्या पीछे पड़ेगा, वो बोला साला पुलिस वाला का पैसा मार लिया। कमाल है भाई। सीएम का पैसा निकला था वो तो पेपर में तो आया होगा ना, ये सीएम अरविंद कौर जो हरियाणा का सीएम था ना, उसका भी तो पैसा निकला ना। ओके, वहाँ के भी सब सब कुछ पूरा जामतारा से हो रहा है? हाँ यही से हैकिंग होता है पूरा पूरा इंडिया का इधर भी। लेकिन हाल ही में मैंने देखा है लॉकडाउन के टाइम पे ना ये कॉल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यार, क्यों ऐसा है? हाँ अभी लॉकडाउन में तो बढ़ा है, कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है, कुछ दिन पहले मेरे दोस्त को आया, मुझे आया फेक कॉल। अभी क्या है ना यार, तुम लोग ने इतना कॉल कर दिया ना, ये जब नया नया था ना फर्स्ट टाइम, तो हम लोग जैसे लोग भी शायद ना कुछ लोग चू बन जाते थे, तुम लोग को ज्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन अभी क्या है ना, इतने कॉल हो गए ना, जैसे कि हमारे जैसे जितने लोग हैं उनको सबको पता है कि कोई ना है जो दे रहा है उल्टा सीधा ये। तो ये हाँ, तो मतलब आपका नंबर पे, इस नंबर पे पहले कॉल आया था ये? ऐसे बहुत कॉल आते हैं, ये पहली बार नहीं है, लास्ट 3 महीने में कम से कम 7-8 बार कॉल आ चुके हैं। किस चीज के बारे में आया था इसमें? हाँ किस बारे में आया था इस नंबर पे कॉल? बहुत सारे नंबर को लेके, मेरे बैंकिंग को लेके आता है, मेरे फोन पे को लेके आता है, तो मेरे को पहले ही पता है। देख अपन इतना बेवकूफ तो है नहीं कि कोई मेरे को ऐसा बोल रहा है पेमेंट करने के लिए और मैं इतना पागल हूँ कि मेरे को मैं उसको उठाऊं और पेमेंट कर दूं, रिवॉर्ड आया, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कोई फोन पे गूगल पे किसी को ऐसा रिवॉर्ड देता नहीं है। फोन पे से इस तरह से कॉल आया था इस नंबर पे आपको कभी? बिल्कुल आया था ना। इस नंबर पे आया था? अब नाम नहीं बताएगा अपना कम से कम। हाँ बताएगा। हेलो। हाँ नाम नहीं बताएगा अपना। हेलो। हाँ एक मिनट, घर है एक बात बात करो, एक और से बात करो। घर से ही ऑपरेट कर रहा है क्या? घर से ही ऑपरेट कर रहा है? नहीं क्या, घर से ऑपरेट नहीं करते। वाला कुपनवा होने पीछे से ला रहा है। कहाँ से? यूपी से? बिहार से? जामताड़ा झारखंड। जामताड़ा झारखंड से। बढ़िया चल फिर बात करते हैं, बट ऐसा मत कर। मैं तो ये बोलूंगा यार किसकी क्या मजबूरी है लॉकडाउन में, तो उसके ऐसी बजा देगा तो अच्छा नहीं है ना। नहीं ऐसा तो बजाते नहीं है, क्योंकि जैसे यूपीआई पिन डाल रहा है तो उसका बायो डाटा हमारे पास होता है, तो अपना हिसाब तो ही करते हैं। और तुम लोग ये नया नया आईडी क्रिएट भी कर लेते तुरंत ना फेक से? हाँ उसका पूरा ऑथेंटिकेशन भी नहीं है। हाँ हाँ पूरा आईडी उसका हैक कर लेते हैं हम लोग।
वो तो कर लेते हैं ठीक है। तो तुम लोग जो एरॉन पे के नाम से मेरे को भेजा है अभी, हाँ, तो ये सब तुरंत कैसे बना लेता? उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन फोन पे कुछ क्रॉस चेक नहीं करता कि वेदर यूजर वैलिड है कि नहीं है जिसका बना रहा है, जिसके अकाउंट में इतना पैसा जा रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रहा है जैसे कि ऐसे ट्रांसफर किए पेमेंट वगैरह करते रहते हैं तो उतना तो थोड़ी आता है। मतलब ये जैसे कि एरन पे से नोटिफिकेशन किए तो इसमें जो पेमेंट आया इससे कोई दूसरा वॉलेट में सेंड किए, उससे फिर दूसरा वॉलेट में सेंड किए, चार पांच से वॉलेट में सेंड कर करके डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर दिया। बढ़िया है, बढ़िया है भाई। चलो ठीक है, मैं तो हलाल नहीं हुआ तो देखते से किसी को और क्या कर सकता तू। ठीक ठीक है, चल चल चल।